हेलो एवरीवन, क्या आप बदलते मौसम से परेशान हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो रहा है? तो चलो ट्राई करें ये इजी सिंपल होम रेमेडी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1.5 कप पानी लेना है और उसे अच्छे से बॉईल करना है। अब इसमें 1 नींबू का रस डालना है। मेरी मम्मी की खांसी इस काढ़े से बहुत जल्दी ठीक हो गई, तो आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें। ये नेचुरल है तो कुछ नुकसान नहीं करेगा। अब हमें इसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालने हैं और अदरक कस के डालना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 इंच का अदरक कसा है। अब हमें इसमें डालनी है 1 चम्मच सौंफ, 4 से 5 काली मिर्च, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी लौंग तकरीबन 4 से 5, और फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक डालना है आधी चम्मच के करीब। फिर हमें इसमें स्वीटनेस के लिए 1 चम्मच के करीब हनी डालना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद टाइमर सेट करके इसे 5 मिनट तक के लिए बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद इसे 1 कप में छान लेना है और फिर इसे गरम गरम ही पीना है। इसे दिन में 2 बार पीजिए और मैं श्योर हूँ कि आप 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे ये लेने से। मेरी दादी माँ का ये नुस्खा हर जगह काम आता है। डू गिव इट अ ट्राई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।